पोस्ट वेतिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम बिहार बुद्धिवादी समाज के स्थापक डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र को जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई भूमिका को जानेंगे। बुद्धिवादी घोषणा पत्र की रचना मैंने आज से लगभग 16 वर्ष पहले की थी, जब मैं पाटना विश्वविद्यालय में MA दर्शन शास्त्र का छात्रा था। उस समय मैंने इसका शीर्षक अंधविश्वास के विरुद्ध रखा था। अक्टूबर 1981 में यह पाटना से उस समय प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका एक तरीका में ईश्वर का अस्तित्व असंभव है के शीर्षक से प्रकाशित भी हुई थी। बिहार बुद्धिवादी समाज की स्थापना के बाद कुछ छोटे मोटे संशोधनों के साथ आज से लगभग 11 वर्ष पहले इसे बुद्धिवादी घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। जिन लोगों ने क्या ईश्वर मर चुका है पढ़ी है, उन्हें इस घोषणा पत्र में कुछ पुनरावृत्त मालूम दे सकती है। विशेषकर घोषणा पत्र के उस हिस्से में जिसका संबंध ईश्वर विचार से है, लेकिन इस घोषणा पत्र की समग्रता बनाए रखने के लिए उस हिस्से को शामिल करना जरूरी था। क्या ईश्वर मर चुका है, मैं सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न पर अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा की गई है, जबकि इस घोषणा पत्र में व्यक्ति और समाज, बुद्धिवादी, संगठित धर्म और नैतिकता आदि विषयों को भी संक्षिप्त चर्चा की गई है। इस रचना के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मैंने इस दूसरे संस्करण में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया है। यह आज भी लगभग वैसे ही है जैसी आज से 16 वर्ष पहले थी। आशा है नए शीर्षक और नए रूप में पाठकों द्वारा इसे पसंद किए जाएगा। आज डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई भूमिका को जान चुके हैं ना। अगले अंक में दूसरी प्रस्तावना को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.